चलिए आंवले उबाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने आंवले ले रखे हैं और इनको मैंने धो करके रखा हुआ है पहले से। अब इन आंवलों को हम कुकर में रख करके स्टीम करेंगे। तो एक कुकर ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी, 1/4 नमक। अब हम एक जाली रखेंगे इस तरह की, अगर ना हो तो कोई कटोरी या प्लेट भी रख सकते हैं। और इस तरह की एक छलनी अगर आपके पास है स्टील की तो आप इस्तेमाल करिए, या कोई भी है तो इस्तेमाल करिए, नहीं तो अगर कोई ऐसी प्लेट जो कि आसानी से आपके कुकर के अंदर आ सकती है वो आप रख सकते हैं। तो हम इसको रख देते हैं इसके अंदर। तो हमने पहले रखा पानी, फिर जाली, और उसके ऊपर से हमने ये जाली और रखी। अब हम ये सारे आंवले इसके अंदर रख देंगे। जितने आंवले आ सकते हैं आप उतने आंवले इसके अंदर रख दीजिए। अब इसे हम लगाएंगे ढक्कन और इसे हम रख देंगे अब गैस पर। गैस को कर देंगे ऑन। हम तेज गैस पे रखेंगे आंवलों को उबलने के लिए। एक सीटी हमें लगानी है, लेकिन एक सीटी भी पूरी नहीं लगानी है, आधी सीटी पर ही हम इसे बंद कर देंगे, जिससे कि आंवले जो है वो अच्छे से हमारे स्टीम हो जाएंगे इसी के अंदर ही। अगर आपने एक पूरी सीटी लगा दी तो हो सकता है कि वो गल जाए ज्यादा, तो हमें उस तरह से इसको स्टीम करना है। जब इस तरह से हो जाएगा तो हम इस कुकर को एकदम ठंडा होने के बाद ही खोलेंगे, तो वो बचा आंवला जितना भी पकना होगा वो बाकी का स्टीम में पक जाएगा। फिर अब गैस को बंद कर देंगे और जब कुकर की गैस अच्छे से निकल जाएगी उसके बाद हम इसको खोलेंगे। ये कुकर की स्टीम निकल गई पूरी अच्छे से, अब इसे खोल लेते हैं। ये आंवले हमारे उबल के तैयार हो गए। ये देखिए, जो कुकर में स्टीम करके हमने आंवले उबाल के तैयार करे उससे हमने एक तो गैस बचा ली, समय बचा लिया, और बहुत जल्दी ये इस तरह से उबल जाते हैं। तो अब इसके बाद आप इसका किसी भी चीज में इस्तेमाल करना चाहें, जो आपको बनाना है आप वो बना सकते हैं। तो आप इसी तरह से आंवले उबालिए और बनाइए।